नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ जयपुर शहर की, फिर से एक और प्राइम लोकेशन पर लेकर के आया हूँ, दिल्ली अजमेर जो हाईवे है वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर कालवाड़ रोड से इसकी जो नज़दीक दूरी है वो भी बहुत ही नज़दीक ये जो है प्रॉपर्टी होने वाली है। सिरसी रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है और यहाँ से मैं बात करूँ अगर वैशाली नगर की, तो वैशाली नगर यहाँ से मात्र चार से साढ़े चार किलोमीटर की दूरी पर होने वाला है। लोकल ट्रांसपोर्ट आपको सभी यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। वेस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है, 20x55 के डायमेंशन में है, 4 BHK है, 122 गज के अंदर बनी हुई है। कुछ इस तरीके से फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बेहद ही प्यारी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी, एक कोठी कह सकते हैं, 122 गज में बनी हुई है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मेन एंट्रेंस पे डोर आपको इस तरीके का मिल जाता है और आसपास की अगर कॉलोनी देखेंगे तो पूरी तरीके से बसावट कॉलोनी के अंदर आपको मिल जाती है, पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड ये कॉलोनी होने वाली है। आपकी गाड़ी यहाँ पर आप इजीली पार्क कर पाएंगे, कार इजीली यहाँ पर आपकी पार्क हो जाएगी, इतना बढ़िया स्पेस यहाँ पर आपको इसकी पार्किंग का मिल जाता है। जहाँ पर बिल्कुल जो है हाइट तक आपको जो है टाइल्स दी गई है जिससे कि सीलन पपड़ी आपकी नहीं आएगी। वाटर टैंक प्रोविज़न है जहाँ पर आपका पानी वगैरह आप इजीली स्टोर कर पाएंगे। ऊपर यहाँ से आपको स्टेयर्स दी गई है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर साथ ही इसके टेरेस तक आपको लेकर के जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये लोबी का स्पेस है जहाँ पर गमले वगैरह लगा करके इस जगह की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। स्टेयर्स आपको मिल रही है जो कि इसके जो है इस तरफ लेकर के जाएगी, जो कि इसका पहला बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है। देखिए इसके उस जो पार्किंग वाला स्पेस है वहाँ से भी आप जो है इसके हॉल से होते हुए इसके रूम तक आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। सामने के साइड में आपको वार्डरोर है, वार्डरोर का साइज़ काफ़ी बढ़िया आपको मिल रहा है। इस तरफ टेक्सचर डिज़ाइन है, एसी का सेपरेट पॉइंट है और ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है इस पर फुल सीलिंग का वर्क, जो कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा फुल सीलिंग का वर्क आपको दिया गया है। प्राइस की अगर बात की जाए तो प्राइस है इसका 92 लाख, यानी कि 92 लाख रुपये इसका प्राइस है। कुछ इस तरीके से बड़ा सा हॉल है जहाँ पर आपका जो है लिविंग डाइनिंग एरिया आप दोनों सेट कर सकते हैं। ऊपर फुल सीलिंग का वर्क आप देखिए, जहाँ पर आपको कॉप कंसील लाइट्स वगैरह लगा करके दी गई है, साथ ही आपको शैंडलियर भी मिल जाता है। इस साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको टफन ग्लास है जो कि इसके किचन को सेपरेट करता है और यहाँ पर आती है किचन। किचन भी काफ़ी बढ़िया साइज़ में है, एल शेप में किचन है, काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में हिंदवेयर की चिमनी लगा करके दी गई है, फुली मॉड्यूलर किचन आपको दिया गया है। उस साइड में सिंक एरिया है, बर्तन वगैरह ईजिली वॉश कर पाएंगे। पीछे विंडो है जहाँ से आपका सनलाइट और वेंटिलेशन बना रहेगा। 4 BHK बढ़िया खूबसूरत सी प्रॉपर्टी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, जो कि अपने दिल्ली अजमेर हाईवे से मात्र 20 से 30 मीटर 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको LED पैनल है जहाँ पर आपका बड़ा से बड़ा LED इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाता है इसका कॉमन बाथरूम, बाथरूम का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है। प्राइस है इसका 92 लाख, 92 लाख रुपये प्राइस है और 122 गज के अंदर प्रॉपर्टी बनी हुई है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह आता है इसका बेडरूम, बेडरूम का साइज़ काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है। साइज़ की अगर बात करूँ लगभग 12x14 के साइज़ में बेडरूम है। सामने की तरफ आपको टेक्सचर डिज़ाइन, ऊपर आपको एसी का पॉइंट और जस्ट ऊपर की साइड में फुल सीलिंग का वर्क है। रूम के साथ में आपको वार्डरोर, अटैच बाथरूम और बैकयार्ड का एरिया मिल जाता है। पहले बैकयार्ड का एरिया देख लीजिए कैसा होने वाला है, काफ़ी बढ़िया से साइज़ में बैकयार्ड का एरिया आपको अवेलेबल करवाया गया है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको वार्डरोर आती है, आपका जो भी ड्रेसेस वगैरह ईजिली आप रख पाएंगे। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग एरिया, साथ ही अंदर की साइड में आपको मिल जाता है अटैच बाथरूम। 4 BHK प्रॉपर्टी है, 92 लाख 92 लाख रुपये प्राइस है, 20x55 के डायमेंशन में प्रॉपर्टी बनी हुई है, JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होने वाली है। साथ ही बेहद ही प्यारी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी आपको मैं आज दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेज या विजिट करना तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के डायरेक्टली कॉल करके इस प्रॉपर्टी को परचेज या विजिट कर सकते हैं। 75-80% ये लोनेबल प्रॉपर्टी होने वाली है। अभी यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर की ओर और दिखाऊंगा फर्स्ट फ्लोर पर कैसा बना हुआ है। लेकिन देखिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पाने के लिए। जो एंट्री मैंने बताई थी वो यहाँ से हो जाती है, यानी कि इसके पॉर्च एरिया से होते हुए सीधे आप लोग इसके हॉल की तरफ जा सकते हैं। ये है इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता जो कि आपको बाहर से ही मिल रहा है, तो ये भी एक बढ़िया एडवांटेज है कि अगर आप चाह रहे हैं प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना तो रेंट आउट भी आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर आपको फिक्स ग्लास लगा करके दिया गया है जिससे कि सनलाइट होती रहेगी और आपका वेंटिलेशन भी बना रहेगा, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है ये खुला पार्ट है। ये आता है इसका फर्स्ट फ्लोर का हॉल जो कि काफ़ी बढ़िया साइज़ में स्पेशियस साइज़ में आपको मिल रहा है। ऊपर की साइड में आपको फुल सीलिंग का वर्क है, कॉप और कंसील लाइट्स वगैरह लगा करके दी गई है। इस तरफ देखिए यहाँ पर आपको LED पैनल है, यहाँ पर LED ईजिली इंस्टॉल होगा बड़े से बड़ा। वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर अटैच बाथरूम, कॉमन बाथरूम है जो कि बढ़िया साइज़ में आपको मिल रहा है। 20x55 के डायमेंशन में प्रॉपर्टी है। ये इसकी सेकंड किचन आ जाती है, किचन का साइज देखिए काफी बढ़िया साइज है, L शेप में किचन, काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में नीचे कैबिनेट्स हैं।
ऊपर ड्रॉर्स है, सामने विंडो है जहाँ से सनलाइट वेंटिलेशन बना रहेगा, और यहाँ पर आता है ये इसका सिंक एरिया, बर्तन वगैरह वॉश कर पाएंगे। यहाँ से अगर मैं आपको अगली तरफ लेकर के चलूँ तो हम लोग देखेंगे इसका बेडरूम। बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल रहा है, ये देखिए सामने आपको जो मिल जाता है यहाँ पर, ये मिल जाता है टेक्सचर डिज़ाइन एसी का पॉइंट, और जस्ट ऊपर की साइड में आपको फुल सीलिंग का वर्क। इस वाली वॉल के ऊपर देखिए तो यहाँ पर आपको वार्डरोर है, वार्डरोर का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, ड्रेसेस वगैरह आप इजीली रख पाएंगे, इतना बढ़िया स्पेस आपको अवेलेबल करवाया गया है। इस तरफ अटैच बाथरूम और ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है। 4 BHK प्रॉपर्टी फिर से बता दूँ मैं आपको, 20x55 के डायमेंशन में 122 गज के साथ में बनी हुई है। इस तरफ देखिए तो ये आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया, काफ़ी स्पेशियस से साइज़ में आपको मिल रहा है ये भी, जहाँ पर आपके वॉशिंग एरिया की तरह जगह को यूज़ में ले सकते हैं या फिर स्टोर रूम बना सकते हैं इस जगह को, तो उस तरीके से भी यूज़ में लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी अपने दिल्ली अजमेर जो हाईवे है वहाँ से 50 मीटर मान लीजिए इतनी दूरी पर यह प्रॉपर्टी होने वाली है। कालवाड़ रोड से भी इसी कनेक्टिविटी है और सिरसी रोड से भी इसी कनेक्टिविटी है। यहाँ पर आपको टेक्सचर डिज़ाइन है, ऊपर एसी का सेपरेट पॉइंट है, उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको वार्डरोर है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको फुल सीलिंग का वर्क है जहाँ पर कॉपर गंसी लाइट्स वगैरह लगी हुई है। इस तरफ विंडो है जहाँ से आपका सनलाइट और वेंटिलेशन बना रहेगा, और ये आ जाती है काफ़ी बड़ी बालकनी, क्योंकि 20 का फ्रंट है तो आपको प्रॉपर्टी वैसे ही काफ़ी बड़ी दिख रही होगी, जो कि 122 गज के साथ में मिल रही है। कितने बड़े जो है आपको यहाँ पर बालकनी के साथ में मिल जाती है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको UPVC का काम करके दिया गया है, और आसपास की कॉलोनी देख लीजिए, यहाँ से भी काफ़ी जो है ऑक्यूपाइड कॉलोनी होने वाली है। प्रॉपर्टी जो है जो अपने दिल्ली अजमेर हाईवे है वहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर है 50 मीटर आप मान सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से सभी जो सुख सुविधाएँ कहाँ पर मिल जाती है, कॉलेज स्कूल वगैरह या फिर मार्केट वगैरह, सब कुछ आपको बहुत ही नियरेस्ट मिल जाता है। प्राइस है 92 लाख यानी कि 92 लाख रुपये। वेस्ट फेसिंग के साथ में प्रॉपर्टी है, 20x55 के डायमेंशन में है, और 80% लोनेबल प्रॉपर्टी होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जयपुर शहर में कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको हमारे AR होम्स के नाम से डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। ओनली जयपुर शहर में कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, और अगर प्रमोशन कराना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपकी सिटी आपके शहर के अंदर प्रमोशन ज़रूर करेंगे। और देखिए जब तक क्योंकि दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, तो उसके लिए भी कॉल कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।